अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तो यकीनन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मौसम जो है वो कैसा चल रहा है। अच्छा, गर्मियों का मौसम है और करेले हैं, दोनों का जो जिक्र है ना वो साथ साथ है। अच्छा, आज मैं एक स्पेशल तरह के करेले बना रही हूँ जो कि हैं दाल भरे करेले। ठीक है, करेलों को ना आप बहुत तरह से बना सकते हैं, भर के, मतलब आप उनके अंदर फिलिंग अपनी मर्जी, आप कीमे की कर सकते हैं, आप मसाले की कर सकते हैं, आप दाल की कर सकते हैं, या जो किसी और चीज़ की भी आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। करेलों की ना एक और करेला, जो भरे हुए करेले हैं उनकी एक रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और वो ज़रूर देखिएगा। वो मसाला भरे करेलों की रेसिपी है और बहुत स्पेशल रेसिपी है। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल लज़त कुकिंग बाय सनिया लिख कर जो है ना आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो करेले हैं, लेकिन दाल, चने की दाल भर के करेले, ये वो बहुत स्पेशल रेसिपी है और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितने चाहिए, कैसे करना है, सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो करेलों की रेसिपी है ना, अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई ये शिकायत करता है कि करेले जो है ना वो कड़वे बनते हैं, और अगर भरे हुए करेले हों तो वो ख़ास तौर पे कड़वे होते, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो आई गारंटी कि आपको करेले जो है ना वो कड़वे नहीं मिलेंगे। वैसे तो मुझे खुद पर्सनली थोड़ी सी करवाहट वाले करेले पसंद है, कि करेले आप खा रहे हो और उनमें करवाहट ना हो तो वो करेलों का तो मज़ा ही नहीं आता। लेकिन मेरे घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड स्पेशली, जो कि कड़वे करेले को नहीं खाते कि अगर उनमें करवाहट ज़्यादा हो तो मैंने इस रेसिपी को फॉलो किया। आप देखेंगे कि इस रेसिपी में मैंने करेलों को दो दफ़ा फ्राई किया। ठीक है, एक फिलिंग से पहले, एक फिलिंग के बाद। अगर आप इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपके करेले में करवाहट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, और सब बहुत खुशी से खाएँगे, मज़े से खाएँगे, इन्जॉय करके खाएँगे। बाकी इट्स योर चॉइस कि आप उसको किस तरह से फॉलो करते। अच्छा, तो और हाँ, एक बात और मैं कहूँगी कि मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। करेलों के हवाले से और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जेठानी की रेसिपी है मसाला भरे करेले, और वो मैंने उन्हीं वो स्पेशल बनवाई थी और रेसिपी रिकॉर्ड की थी, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज जो मैं दाल भरे करेले बना रही हूँ, ये भी जो है वो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा भी मैंने करेलों की रेसिपीज़ जो है ना वो डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है वो बनाए हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, और गर्मियों में मेरा ख्याल है हफ्ते में एक दफ़ा हर घर में करेले बने जाते हैं, और अगर आप एक ही तरह से, एक ही रवायती तरीके से करेले बनाते रहे ना तो घर वाले भी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी रेसिपीज़ हैं करेलों के हवाले से, बहुत सारे तरीके हैं, हर बंदे का अपना टेस्ट है, अपना वे है, और मेरा क्या वे है वो मैं चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, और इससे पहले भी कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे, और मुझे कमेंट्स में जो है ना वो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अच्छा, मैंने दाल का बैटर कैसे बनाया है, करेले कैसे फ्राई किए हैं, कौन कौन से मसाले इसमें शामिल किए हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में शामिल कर दिया। छोटी सी वीडियो है, बहुत लंबी भी नहीं है कि आप देखें और आप बोर हो जाएं। मेरा मकसद ये है कि आपको एक नया वे मिले बनाने का। ठीक है, और नंबर टू ये कि करवाहट के बगैर करेले हो। ठीक है, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो कड़वे करेले टेस्ट के बगैर ही कह देते थे ये कड़वे और हमने नहीं खाने, तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे घरों में ये वाला इशू रहता है। तो आप इस हवाले से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और चलिए इसको देखते रहें, स्टेप्स को फॉलो करते रहें।
होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत मज़े के करेले बने थे। जब आप भरवा करेले बनाए ना तो करेलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा लें, ठीक है, ताकि उनको भरना और वो लुक में भी ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं।